साहब समोसे ले लो। अच्छा फ्री में खिलाएगी या पैसे लेगी? अरे क्या मेम साहब, आज के समय में फ्री में क्या ही मिलता है, लेकिन अगर आपका खाने का मन है तो आप ले लो। ये लो। देख एक बार सोच ले, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं पैसे नहीं दूंगी। अरे क्या सोचना, और मुझे पता है कि आप मजाक नहीं कर रहे, वैसे भी एक समोसे से क्या ही कमा लूंगी मैं, आप खा लो। ठीक है मैम साहब, मैं चलती हूँ। अच्छा सुन, वैसे ये एक समोसा कितने का है? एक समोसा 15 रुपए का। और अगर मैं ये तेरे सारे समोसे लूँ तो कितने के देगी? ये सारे 150 रुपए के। ये ना पूरे 10 समोसे हैं। ठीक है, फिर मैं तुझे 150 रुपए देती हूँ। ये सारे समोसे ना मेरे कार में रखे। आपको ये सारे समोसे चाहिए? आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, कार में रखे। ठीक है मैम साहब, मैं आपकी गाड़ी में रख देती हूँ। सब रख दिए सारे समोसे। ठीक है। अच्छा ये बता, तेरे पास और कितने समोसे हैं? मेरे पास तो बहुत सारे समोसे हैं। आप बताओ आपको कितने चाहिए? वो सूरज भैया की दुकान है ना, प्राइम बेकरी, मैं वहीं पे काम करती हूँ। अच्छा तो तू सूरज हलवाई के भी काम करती है, तो तू ऐसा कर 100 समोसे पैक करके ले आ। 100 समोसे? ठीक है मैम साहब, आप ना यहीं पर रुको, मैं दुकान पे जाके पैक करवा के आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, 10-15 मिनट में आई, आप यहीं रुकना। फताक्षी ये चल क्या रहा है, 10-12 समोसे तुमने इससे खरीद लिए और ऊपर से 100 समोसों का और ऑर्डर दे दिया, तो दुकान उकान लगाने का इरादा है क्या? पागल हो गई है, इसमें समोसों का करेगी क्या? अरे सैम तुझे पता तो है ना, जब हम आगे चौराहे से निकलते हैं तो वहाँ पे कितने गरीब लोग रहते हैं, तो वहीं पे बांट देंगे, वो लोग कुछ खा भी लेंगे। अच्छा चल ठीक है, तो समाज सेवक बन रही है, गरीबों का भला करना अच्छी बात है, लेकिन इसमें या तो गरीबों का प्रॉफिट है या ओनर का प्रॉफिट है, इस लड़की का क्या प्रॉफिट? इन लोगों का ना दुकानों पर परसेंटेज बंधा होता है, तो ये जितने ज्यादा समोसे बेचेंगे ना उतना ज्यादा इन्हें मुनाफा मिलेगा, इसलिए इससे इसका भी भला हो जाएगा और गरीबों का भी भला हो जाएगा। ओके, नाम गॉट इट। ओके चल यार, अच्छी बात है, तो अच्छा काम कर रही है तू। अब ये समोसा खा सकता हूँ मैं? खा ले भैया, 100 समोसे पैक कर दो। ओके जी। अरे मीम साहब कहाँ जा रहे हो? मीम साहब सामान तो लेके जाओ। मीम साहब, मीम साहब, अरे मैं इस सामान का क्या करूंगी अब, इतने सारे समोसे, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, पैसे भी नहीं देकर गए। में रखे थे मैंने, उसके भी नहीं पैसे देके गई, और अब ये 100 समोसे, इन 100 समोसों का क्या करूंगी मैं, कैसे नुकसान अपना चुकता करूंगी? साहब बहुत डांटेंगे मुझे। क्या हुआ सीमा, इतनी परेशान क्यों? साहब वो मेरे पास जितने भी समोसे थे ना, वो सारे के सारे समोसे एक मेम साहब खड़ी थी उन्होंने ले लिए, और उन्होंने मेरे को बोला कि उनको 100 समोसे और चाहिए, इसीलिए मैं दुकान पे आके ये 100 समोसे पैक करवा कर गई, और अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो वो मेरे साथ गाड़ी लेके भाग गई, मेरा कितना नुकसान हो गया। और साहब आज ना मुझे पता चल चुका है कि मैं किसी पर भी ऐसे विश्वास नहीं कर सकती। करवा लिया अपना नुकसान, तुम्हें कितनी बार कहा है सीमा कि ये दुनिया भरोसा लायक नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? साहब अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो इंसान अच्छा है या बुरा, वो हमें पैसे देगा या नहीं देगा, मैंने तो उनपे विश्वास करा ताकि हमारी दुकान के समोसे बिक जाए, आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो,
लेकिन यहाँ तो मैंने खुद का ही नुकसान करा दिया। साहब आप मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप ना बस मुझे नौकरी से मत निकालना। माफ कर दो, तुम्हारे माफ करने से क्या होगा, मेरा जो नुकसान हो गया उसका क्या? नहीं नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप ना एक काम करना, जो सैलरी आप मुझे देते हो आप उस सैलरी में से इनके पैसे काट लेना, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, मेरा होगा, लेकिन कम से कम मुझे अब समझ तो आ गया ना कि मैं किसी पे भी यकीन नहीं कर सकती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मतलब कि जो तुम्हारे समोसे ले गए ना वो भैया, उन्होंने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए, और हाँ उन्होंने तुम्हारे लिए 500 रुपए अलग से भिजवाए तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई को देखते हुए। क्या, कैसे? अच्छा ठीक है, तू हॉस्पिटल पहुंच, डायरेक्ट मैं वहीं आ रहा हूँ। सताक्षी जल्दी चलो, मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। अरे लेकिन वो लड़की अभी तक आई नहीं है, और हमने उसको पहले के समोसे के भी पैसे नहीं दिए। अच्छा ठीक है, मैं उसकी शॉप की फोटो क्लिक कर लेता हूँ। चल चल जल्दी चल।